हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करा सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम, और इसका ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन मेथड क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिगेशन क्या होता है, ये एक मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिएगा आपको कोई मिश्रण, मिश्रण क्या होता है ये आपको पता है? मिश्रण क्या होता है? मिश्रण मतलब किसी भी दो चीज़ों को जब मिलाया जाता है वही मिश्रण होता है। मान लो दो या दो से अधिक किसी चीज़ को मिला दिया हमने तो क्या हो गया? वो मिश्रण हो गया, ठीक है, उसी को हम एलिगेशन कहते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई एक चीज़ है, एक हाँ, और तीसरी बनती है, वही तुम्हारा मिश्रण होता है। तीसरी बनती है वही मिश्रण होता है हमारा। मान लो कोई ए बी है, इस रेशियो में हमने उसको मिलाया तो हमको क्या मिला? सी, सी हो गया। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो होता है, ये जो हमको मतलब मिश्रण प्राप्त होता है वो औसत होता है, एक औसत, दोनों का औसत, दोनों का औसत। इंग्लिश में इसको एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिएगा हम मानते हैं, क्योंकि हमको जो मिश्रण मिलता है उसमें क्या होता है, ये मान लीजिए ये मिश्रण हमको मिला है तो ये हमेशा एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा, या तो इससे बड़ा होगा या इससे बड़ा होगा, या इससे छोटा होगा या इससे छोटा होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा कि इस दोनों से बड़ा हो जाए दोनों से छोटा हो जाए, एक से बड़ा तो एक से छोटा होगा, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिएगा ए, ए क्या है, ए हमने माना कि बड़ा है, ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो ए बड़ा है बी से, तो ये सी, सी मान ए से ए बड़ा है तो सी इससे छोटा होगा, बी से बड़ा होगा। तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये होगा सी माइनस बी, रेशो निकल के आएगा ये ए माइनस सी, ठीक है, ये याद रखिएगा। देख लीजिए, मान लीजिएगा हमने किसी दो वस्तुओं को, किसी दो चीज़ों को हमने 12:8 में मिलाया, ठीक है, और वो हमें 10 में प्राप्त हुआ है, तो ये इसका रेशो क्या निकल के आएगा? इसका रेशो क्या निकल के आएगा? देखिए ये 8 है, ये 10 है, तो ये 10 जो हमको मिला है वो हमेशा, देखो 8 से तो बड़ा है 12 से छोटा है, वहीं तभी हम एलिगेशन को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ जहाँ मतलब ये दोनों से बड़ा हो गया दोनों से छोटा हो गया वहाँ ये फॉर्म नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए याद रखिएगा वो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 10-8 और 12-10, तो क्या रेशियो निकल के आया? 2:2 हो गया ना, इसको हम कैंसिल कर सकते, तो 1:1 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? समझ में ना आ रहा हो तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा हमको, हम आपको बता देंगे। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो आपने देख लिया ना कि ये एक एवरेज ही होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है एक गांव की जनसंख्या 60,000 है, कितनी है? 60,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% की तथा महिलाओं में, मतलब महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि, मतलब बढ़ गई। पहले जनसंख्या इतनी थी, अब 10% 15% की वृद्धि हो गई, लेकिन कुल जनसंख्या टोटल कितनी हुई? इतनी हो गई है। तो
तो गांव में महिलाओं की संख्या हमें बतानी है, क्या बतानी है, महिलाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए एक साइड लिख लिया ये एक पुरुष, यहाँ पुरुष का रेशो आएगा, ये महिला, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 10%, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, 10%, और महिलाओं की संख्या में 15%। टोटल वृद्धि कितनी हुई है, इतना। तो इसको हम ज्ञात कर लीजिए, ज्ञात करेंगे मतलब पहले कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 क्या है, 60,000 है, 60,000 थी अब इतनी हो गई है, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हो गई है, देखियो 67 डबल जीरो माइनस 60,000 माइनस करेंगे तो हमारी कितनी निकल के आएगी, 7,200। ये तो इसमें कितनी परसेंटेज की वृद्धि हुई, कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग निकालेंगे 7,200 6,000 का कितना परसेंटेज है, जीरो से दो जीरो कैंसिल हुई, एक जीरो, इससे छः से काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ एक जीरो और है, ये इससे कैंसिल होगी, तो ये कितना हो गया, 12%। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, कितनी हुई है, 12%। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12%, ये हो गया 12%। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 15 माइनस 12, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, और इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उससे माइनस हो जाता है, 12 माइनस 10, तो कितना, यहाँ हो गया 12 माइनस 1, तो यहाँ हमारा हो गया 3 और यहाँ हो गया 2, तो 3:2 आ गया, ठीक है। तो हमें महिलाओं की संख्या बतानी, क्या बतानी, महिलाओं की संख्या बतानी है। तो देखिए 3, 2, 5 टोटल कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। तो 5:5 बराबर हो जाएगा हमारा 60,000, 60,000। तो हम महिलाओं की संख्या, ये महिला का रेशियो है, ये पुरुष का रेशियो है, तो हमें क्या बताना है, महिला का बताना है, महिला की संख्या बतानी है। 5:5 इतना है, तो हम दो रेशियो निकाल सकते हैं ना, देखिए 60,000 अपन 5 कर देंगे, ये एक रेशियो निकल के आ गया, इंटू हम 2 का कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये इतना हो गया, 5 दूनी 24, तो निकल के आ गई 24,000, ये हमारे, अरे महिलाओं की संख्या निकल के आ गई, ठीक है। दे आप समझ में आ गया ना, हमने कैसे सॉल्व किया इसको, समझ में आ गया ना, पुरुष महिला, तो इतनी वृद्धि पुरुष में हुई थी, इतनी महिला में वृद्धि हुई थी, और टोटल इतनी वृद्धि हुई थी, तो हमने एलिगेशन लगा दिया, तो ये हमारा रेशियो निकल के आ गया, इस रेशियो को हमने सॉल्व कर दिया, महिला के 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो हमने निकाल लिया है। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। अब हम सेकेंड मेथड लगाते हैं, सेकेंड और इजी मेथड बताते हैं आपको, देखिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए मान लीजिएगा 10% पुरुष में वृद्धि हुई है और 15% महिला में वृद्धि हुई है। मान लीजिए हम भी महिला को भी हम मान ले रहे हैं 10% और पुरुष को भी हम मान ले रहे हैं 10%। तो देखिए पहले 60,000 का हम लोग 10% निकालेंगे, का 10% परसेंट हटाया तो नीचे 100 0 0 0, तो कितना निकल के आ गया, 6,000, कितना निकल के आ गया, 6,000 निकल के आ गया ना। तो मान लीजिए 10% इतना ही है, मान लीजिए इतना 6,000 10% है, ठीक है। और आप हमने इक्वल माना है, इक्वल दोनों का माना है, ठीक है, कितना इक्वल माना है, 10% हमने पुरुष भी मान लिया और 10% हमने महिला भी मान लिए, तो 10% कितना होता है, 6,000 6,000, और टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, इतनी, कितनी हो रही, इतनी। तो इससे हम मान लीजिए, ठीक है, इतनी हो रही है, मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ी थी, तो वृद्धि हमारी कितनी हुई थी, 7,200, कितनी हुई थी, 7,200, 7,200 में हम 6,000 माइनस करते हैं, क्या करते हैं, 6,000 माइनस करते हैं, तो हमारा निकल के आ जाएगा 1,200, 1,200 निकल के आ गया, ठीक है।
तो अब ये 1,000 जो 200 निकल के आ रहा है वो क्या है, एक्स्ट्रा ही तो है। जो 1,200 निकल के आया है वो एक्स्ट्रा है, जो 5% एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही वही तो है ये। तो हम इस 5% को इक्वल टू कर सकते हैं ना 1,200, और ये वृद्धि किस में है, महिला में ही है। तो जाहिर सी बात, महिला में वृद्धि है तो महिलाओं की संख्या निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, महिलाओं की संख्या। मान लीजिए 5% आपको इतना दिया हुआ है तो आप 100% निकाल सकते हैं, तो हम 100% निकाल सकते हैं ना। 1,200 बटे 5 × 100 कर सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या निकल जाए, निकल के आ जाए 100% निकल के आ जाएगा हमारा। तो 5 से इसको काट दो, 20 बार चला गया तो कितना आ गया ना, 24,000, 24,000 निकल के आ गया। ये हमारी महिलाओं की संख्या है, क्या है, ये हमारी महिलाओं की संख्या है, ठीक है, 24,000 निकल के आ गई। मान लीजिए 24,000 महिलाओं की, आपको पुरुष की संख्या निकालनी है, मान लो पुरुष भी निकालना है, तो 24,000 निकल के आ गई। तो क्या करेंगे हम, इसमें से 6,000 में से -24,000 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ना, तो उससे हम पुरुष की जनसंख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, एक गांव में लड़का लड़कियों की संख्या कितनी है, 18,000, 18,000 थी, ठीक है। 2 वर्ष में लड़कों की संख्या में 10% तथा लड़कियों की संख्या में 8% ये बढ़ गई है, ठीक है। पहले 18,000 थी, फिर क्या हुई, लड़कों में 10% की वृद्धि हुई है और लड़कियों में 8% की वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन कुल संख्या मतलब टोटल कितनी बढ़ी है, 9%, टोटल 9% बढ़ गई है। वहाँ संख्या दी थी तो हमने उसको परसेंटेज में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, तो वहाँ हमने क्या किया था, परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, और ये हमको परसेंटेज में दी है, क्या दी है, परसेंटेज में दी है। तो इसको हमें परसेंटेज में तो बदलना नहीं रहेगा, तो हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं। मान लीजिए ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, ठीक है, तो 10% इसमें हुई है, ठीक है, और 8% गर्ल्स में हुई है, टोटल 9% हुई है। तो हम इसको रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे 9 - 8 तो 1, 10 - 9 1, तो क्या 1:1, मतलब इक्वल निकल के आई है, क्या निकल के आई, इक्वल निकल के आई है। तो हम इक्वल बांट देंगे, ये 1:1 है तो क्या हुआ, 2:1 कितना हो गया, दोनों को जोड़ के 2:1 18,000 हो गया। तो हमें लड़कियों की संख्या बतानी है, तो 1 रेशियो तो निकाल सकते हैं ना, 18,000 में 2 का भाग दे देंगे, 18,000 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा 9,000 निकल के आ जाएगा, 9,000 निकल के आ गया। ये हमारी लड़कियों की संख्या है, ठीक है, लड़कियों की संख्या, ये किसकी, लड़कियों की संख्या 9,000। और इतने ही जैसे 18,000 में हम 9,000 माइनस करेंगे तो वो हमारी लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगी, तो मतलब इक्वल, जितनी लड़कियाँ उतने ही लड़के हैं, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दो संख्याओं का योग हमें इतना दिया है, 6,600 है। यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है, पहली संख्या में 10% की वृद्धि हुई तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाती है, 7,510, बढ़ के संख्या कितनी हो गई, 7,510, हाँ। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ। तो देखिए संख्या हमारी 6,600 थी, क्या थी, 10% की वृद्धि हुई और दूसरी में 20% की वृद्धि हुई, तो संख्या 7,510 हो गई और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो देखिए 6,000 का 600 का 10% निकाल लेंगे हम, कितना निकाल लेंगे, 10%, 2 0 चले गए तो हमारा 660 निकल के आ गया, ये 10% है। हमने दोनों में इक्वल माना, मान लो इसमें भी 10% वृद्धि हुई, इसमें भी 10% वृद्धि हुई, तो जो दूसरी संख्या है उसमें एक्स्ट्रा 10% हो रही है ना, क्या हो रही, एक्स्ट्रा 10% वृद्धि हो रही है। मान लीजिए ये 6,000 माइनस, ये हमारी बढ़ गई, जब वृद्धि होगी उसके बाद संख्या हुई है, देखिए 7,510 माइनस 6,600 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 910, कितना निकल के आए, 910।
और ये वृद्धि 10% 660, और इस 910 में से 910 माइनस 660 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, तो हमारा निकल के आएगा 260 में से 10 के 50 छः, और इसमें निकल के आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 250। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, तो हमारा 250 हो गया। ठीक है, तो अब इस 250 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? हम इस 250 को, ये 250 क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है। जो मान इसमें 10%, इसमें 20%, तो ये 10% एक्स्ट्रा है। तो 10% बराबर हो गया 250। कितना हो गया? 250। तो हम 100% निकाल सकते हैं, तो 100% निकालिए, 250 बटे 10 इंटू 100 कर दो, तो हमारी वो दूसरी संख्या निकल के आएगी, क्योंकि वृद्धि दूसरी संख्या में हुई है। यदि आपको पहली संख्या पूछी जाएगी तो क्या करेंगे हम, उसमें से जो संख्या निकल के आएगी उससे हम माइनस कर देंगे, तो हमारी दूसरी भी संख्या आ जाएगी। ऐसे कर दीजिए, 200 ये हो गया 2500, ये हमारा आंसर। दूसरी, ये क्या है, ये दूसरी संख्या, दूसरी इसमें दूसरी संख्या पूछी गई थी, तो दूसरी संख्या हमने निकाल ली। हमारी एक संख्या है, और मान लो दोनों संख्याओं का योग इतना है, तो उसमें हम ये माइनस कर देंगे, तो हमारी पहली संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, तो मैंने, आप उस मेथड से भी लगा सकते हैं, वो एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा इजी है, इसमें आपको टाइम कम देना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको इसको भी बता दिया। आपको फिर जो बेटर लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये एक कंपनी में, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ। एक कंपनी में कुल 80 कर्मचारी है, मतलब किसी कंपनी में 80 एम्प्लॉय है, ठीक है, 80 कर्मचारी है। एक महिला को प्रतिदिन 19 रुपये, महिला को कितने मिलते हैं, 19 रुपये, तथा पुरुष को 23 रुपये, कितने, 23 रुपये मिलते हैं। ठीक है, यदि प्रतिदिन कुल खर्चा, टोटल खर्चा कितना है, 1600 रुपये, 1600 रुपये। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, क्या करना है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो महिला को 19 रुपये मिलता है, पुरुष को 23 रुपये मिलता है, और डेली खर्चा का 1600 होता है, तो हमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। तो देखिए, हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, हमें महिला और पुरुष का तो पता है, लेकिन टोटल कुछ पता नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। देखिए, पहले एवरेज निकालेंगे, औसत, औसत निकालेंगे, क्योंकि टोटल खर्चा इतना आता, और कर्मचारी कितने, 80। आपको पता होगा टोटल संख्याओं का योग अपॉन नंबर ऑफ संख्या औसत होता है, तो ये है 1680। ये टोटल संख्याओं का योग होता है, ये नंबर ऑफ संख्या होती है, कितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग दे देते हैं, तो वो हमारा एवरेज निकल के आ जाता है, औसत निकल के आ जाता है। तो इसको देखिए, 8 से 8 दूनी 16, 20, 20 निकल के आ गया ना एवरेज, हाँ हमारा 20 निकल के आ गया। तो देखिए, महिला, महिला और पुरुष, महिला को कितना मिलता है, महिला को 19 मिलता है, महिला को 19 मिलता है, और पुरुष को 23 मिलता है, पुरुष को 23 मिलता है। ठीक है, और एवरेज हमारा कितना है, 20, मैंने आपको बताया था यहाँ एवरेज होता है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग इनका पहले रेशियो निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, रेशियो। तो 23 माइनस 20,
तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 20 माइनस 19 तो यहाँ क्या हो गया 1, तो 3:1 हो गया। क्या हो गया? 3:1 हो गया। और टोटल कर्मचारी कितने? 80। रेशियो 3+1 इक्वल टू 80। 4:1 बराबर हमारा 80 है, तो 1:1 हम लोग निकाल सकते हैं ना, 1:1 तो 4 × 2 = 8 = 20। तो हमें क्या बतानी? पुरुषों की संख्या, पुरुष कितना? 1:1 निकल के आ गया, तो हमारे 20 क्या है? पुरुष, ये हमारे पुरुष है। यदि महिला पूछ दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 80 - 20 कर देंगे, 60। ये क्या हो गई? महिला, ठीक है, ये महिला, ठीक है, ये महिला हो जाएंगे यदि पूछा जाए तो। पुरुष की संख्या पूछी गई तो 20 हो गया, महिला की संख्या पे 80 में से टोटल में से 20 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारी महिला निकल के आ गई। आपको समझ में आ गया होगा, रेशियो मेथड है। रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें एलिगेशन के लिए रेशियो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम और भी कुछ टॉपिक करेंगे, बस परसेंटेज का एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, इसके बाद परसेंटेज फिनिश हो जाएगा, फिर हम आगे और अच्छा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि आपको समझ में आ गया होगा, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं और हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।